हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज श्रीराम और आप देख रहे हो श्रीराम टेक वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है दोस्तों, ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में आपको न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और आपको उसमें आपको क्या क्या सर्विसेज दिया गया है, आज का टॉपिक में बात करेंगे दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले आपको छोटी सी गुजारिश है दोस्तों, पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना दोस्तों। इसके बाद क्या करना है, आपका ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल का लिंक ओपन करना है। कैसा भी ई डिस्ट्रिक्ट का पोर्टल, ई डिस्ट्रिक्ट डॉट अंडमान जीओवी डॉट इन, यहाँ पर आप टाइप करेंगे। जैसे टाइप करके करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर ऐसा भी विंडो भी खुल के आता है, कभी कभी लॉग इन पेज भी खुल कर आ जाता है। फिलहाल अभी होम पेज में है इसलिए आपको यहाँ पर ऐसा शो कर रहा है दोस्तों। यहाँ पर देखिए दो ही ऑप्शन शो कर रहे हैं, एक होम पेज या लॉग इन। अब यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन का कोई दिखाई नहीं रहा है और क्या करना है, यहाँ पर लॉगिन में क्लिक करना है दोस्तों। जैसे आपको लॉगिन में क्लिक करेंगे, लॉगिन में क्लिक करने पर देखिए दोस्तों ऐसा विंडो ओपन हो गया है। अब यहाँ पर देखिए लॉगिन का विंडो जैसे एकदम नीचे देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके रजिस्ट्रेशन रजिस्टर कर दिए। रजिस्टर करना है यहाँ पर, रजिस्टर में जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पूरा फिल करना पड़ेगा दोस्तों। उससे पहले यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर आपको यहाँ पर यूज़र आईडी पासवर्ड दिया है, यूज़र आईडी पासवर्ड मीन्स ऑलरेडी आपको अगर रजिस्टर करके रखा है तो यहाँ पर आपको यूज़र आईडी पासवर्ड एंटर करके उसके बाद कैप्चा कोड एंटर करके लॉगिन कर लीजिए दोस्तों। लेकिन अभी क्या है, नया अकाउंट ओपन करना है मीन्स यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, यहाँ पर क्लिक कर लेते हो दोस्तों। क्लिक करने के बाद यहाँ यूज़र रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म ओपन हो गया दोस्तों, यहाँ पर आपको फिल करना है। फर्स्ट क्या है, नेम ऑफ द एप्लीकेंट जिसका नाम से आपको अकाउंट रजिस्ट्रेशन करना है और उसका नाम टाइप करना है। नेक्स्ट ईमेल आईडी तो कंपलसरी नहीं है दोस्तों, डाल भी सकते हैं। और नेक्स्ट मोबाइल नंबर देना है दोस्तों। अब जो एक्टिव में नंबर है वो नंबर आप देना है दोस्तों, क्योंकि इसमें आपको ओटीपी आएगा दोस्तों। ओटीपी कंफर्मेशन के थ्रू में आपका अकाउंट ओपन होएगा दोस्तों। क्या आपका डेट ऑफ बर्थ, कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ डाल देना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर यूज़र आईडी बना लेना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पासवर्ड क्रिएट करना है दोस्तों। पासवर्ड में आपको क्रिएट करने का टाइम आपको थोड़ा ध्यान देना दोस्तों, क्योंकि आपका जो भी आपका पासवर्ड टाइप करता है थोड़ा स्ट्रांगली बनाना है दोस्तों। अगर आप स्ट्रांग नहीं होता है तो क्या होता है, आपको लॉगिन जैसा भी आपको रजिस्टर कंप्लीट करने के बाद कभी कभी लॉगिन करता है तो लॉगिन नहीं हो पा रहा है। इसलिए नहीं हो पा रहा है दोस्तों, आपको वो जगह में पासवर्ड आके स्ट्रांग नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि वीक या मीडियम में चले जाता है, उसका वजह से आपका पासवर्ड ठीक से प्रॉपर वर्क नहीं करेगा दोस्तों। लेकिन यहाँ पर स्ट्रांग पासवर्ड बनाना है तो आप कैसा करना है हम बताएंगे, पहले इससे पहले आपको सारे डिटेल्स भर लेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों भर लेते हैं। देखिए दोस्तों सारे डिटेल्स मैंने फिल कर लिया, नेम ऑफ द एप्लीकेंट का क्लिक डिटेल एंटर कर दिया और नेक्स्ट मोबाइल नंबर भी डाल दिए, डेट ऑफ बर्थ भी डाल दिए, नेक्स्ट यूज़र आईडी भी डाल दिए। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों, यूज़र आईडी क्रिएट करने आइटम किसी किसी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कुछ भी ऐसा यूज़र आईडी बताता है, ऑलरेडी है बोलने से ऑलरेडी है करके बताएंगे तो आपका नहीं है लेकिन दूसरा किसी का नाम सेम हो सकता है, आपका यूज़र आईडी सेम हो सकता है, इसलिए क्या यहाँ पर आपको चेंज करके दूसरा और कुछ भी ऐड कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर पासवर्ड देखिए, यहाँ पर पासवर्ड आपको बताए थे थोड़ी देर पहले, उसमें आप जैसा क्रिएट करना वैसे ही। फॉर एग्जाम्पल अभी हम बताते दोस्तों, या नोट पैड ओपन करके बता देता आपको पासवर्ड आपको क्रिएट करना कैसा है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल अभी कृष्ण, कैंडिडेट का नाम कृष्णकांत है, अभी हम फर्स्ट लेटर आपको कैप्स में दे दिया दोस्तों, उसके बाद बाकी सब स्मॉल में, उसके बाद कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करना दोस्तों, ये जगह में आप एट द रेट यूज़ कर लेते हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मेरे याद रखने के जैसा मेरा अपना डेट ऑफ बर्थ का हियर एग्जांपल एक दे देता है कस्टमर के। उसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऐसा पासवर्ड आप देंगे तो तभी आपको स्ट्रांग बनेगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर आप क्रिएट कर लिए, यहाँ पर जैसा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है, यहाँ ग्रीन कलर में आपको एक लाइन आ जाता है, समझ जाना है कि आपको यह स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है। उसके बाद यहाँ कैप्चा कोड एंटर कर लेना है दोस्तों। जैसे एंटर करके रजिस्टर में क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों, अभी यह जो मोबाइल नंबर दिया है ऑलरेडी, यह मोबाइल नंबर से ऑलरेडी अकाउंट ओपन है और यहाँ पर बता रहे कि दूसरा मोबाइल नंबर आप डाल के यूज़ करिए बोल रहे हैं, क्यों अभी एक नंबर से अभी मिनिमम 3-4 आपको अकाउंट ओपन कर लेता है, वो बता देता है कि आपको ऑलरेडी ये नंबर से आपको दो है करके बताएंगे, तभी आपको क्या करना है, आपको दूसरे नंबर आप यूज़ कर लेना है। दे देते हैं दोस्तों दूसरा नंबर दे देते हैं, अब यहाँ पर दे दिए, जैसे मैंने पासवर्ड यहाँ पर बताए थे उसी टाइप में पासवर्ड मैंने क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर।
यहाँ पर अब राइट क्लिक नहीं होगा दोस्तों, वहाँ पर अगर बाय चांस कॉपी में से कॉपी करता है तो यहाँ पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी प्रेस करना है दोस्तों, तभी आपको पेस्ट होगा। इसमें यहाँ पर राइट क्लिक ऑप्शन नहीं होगा दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पर भी कंफर्मेशन पासवर्ड में भी कंट्रोल प्लस वी प्रेस कर लेते दोस्तों, क्यों यहाँ पर पासवर्ड जो हम ऑलरेडी यहाँ नोटपैड में बना कर रखे वही पासवर्ड मैंने एज इट इज़ वहाँ पर एंटर कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पर कैप्चा कोड एंटर करके रजिस्टर पर क्लिक कर देते दोस्तों। जैसे क्लिक करते समय यहाँ पर अब वेरीफाई ओटीपी आपको यहाँ पर ओपन हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ओटीपी एंटर करना है। अगर आप ओटीपी मान लीजिए आपको ओटीपी जैसा आपको कर देता है उसका नेटवर्क का प्रॉब्लम हो, जैसे आपको कोई कभी ओटीपी नहीं आता है तो फिर दोबारा रिसेंट ओटीपी में क्लिक करता है, तो यहाँ पर आप हमेशा एक चीज़ याद रखना है दोस्तों, रेफरेंस नंबर हमेशा याद रखना है, क्योंकि आप ओटीपी आता है तो यहाँ पर आपको रेफरेंस नंबर ही मेन याद रखना है दोस्तों। वहाँ पर अभी जो करंट रेफरेंस नंबर शो करता है उसी का ओटीपी आप यहाँ पर एंटर करना है। चलिए दोस्तों एंटर कर। चलिए दोस्तों एंटर कर लिया, उसके बाद वेरीफाई ओटीपी एंड रजिस्टर में क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको लिख के आ जाएगा दोस्तों, यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, प्लीज़ लॉग इन टू कंटिन्यू। मीन्स आपका यूज़र आईडी आपको क्रिएट हो गया है, अभी आप पर यहाँ पर लॉग इन करना है। जैसे आपको लॉग इन करना है दोस्तों, यहाँ पर आप अभी जो बनाया था उसको अभी यहाँ पर एंटर कर लेते दोस्तों। यूज़र आईडी एंड पासवर्ड आप यहाँ पर एंटर कर लिए दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पर कैप्चा कोड एंटर करना है। जैसे एंटर हो गया है यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे यहाँ पर लॉग इन में क्लिक कर दीजिए। आपको लॉग इन करने के बाद ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए बहुत सारे आपको डिपार्टमेंट का सर्विसेज दिया है, आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर उससे पहले आपको यहाँ पर जो मेन्यू में दिया है आपको एक एक ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। होम तो पता ही है दोस्तों, होम में जैसे आप क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर आपको यही लॉगिन पेज आपको ओपन होगा दोस्तों। नेक्स्ट सेव्ड एप्लीकेशंस में, सेव्ड एप्लीकेशंस में ये होता है दोस्तों आप जो ऑलरेडी सबमिटेड करके रखा वाला डॉक्यूमेंट्स को आपको फाइंड करने के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर मेंशन करना है दोस्तों, या सर्विस क्या सर्विस के लिए अप्लाई किया, कैंडिडेट का नेम, एप्लीकेंट का नेम एंटर करना है दोस्तों। जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको जो भी डिटेल्स आप जितना भी एप्लीकेशन एंटर करके रखा है उसमें से आपका जो एप्लीकेशन नंबर एंटर करेंगे वो एप्लीकेशन ओपन होकर दिखा देगा दोस्तों। नेक्स्ट क्या सबमिटेड एप्लीकेशन दोस्तों, एप्लीकेशन कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पर आपको सबमिटेड कर एप्लीकेशन शो करेगा दोस्तों। यहाँ पर आपको चेक भी कर सकते हैं दोस्तों, आप क्या एप्लीकेशन में क्या दिया क्या नहीं दिया, आपको सारे डिटेल्स यहाँ पर आपको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या रिटर्न एप्लीकेशन, रिटर्न एप्लीकेशन क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर आपको सबमिशन जो करता वाला डॉक्यूमेंट्स मीन्स एप्लीकेशन और विथ डॉक्यूमेंट के साथ जो भी आपको सबमिटेड करता है, अब कुछ इसमें आपको कोई भी ऑब्जेक्शन लगता है मीन्स कोई डॉक्यूमेंट कमी पड़ा है या कुछ डिटेल्स इनकम्प्लीटेड है, तो आपको क्या करेंगे, आपको जो डिपार्टमेंट का मीन्स आप ई सर्विसेस लेंगे, ई सर्विसेस के लिए अप्लाई करता है वो आपको रिटर्न करेंगे। आपको रिटर्न करने के बाद यहाँ पर आपको शो करेगा दोस्तों एप्लीकेशन नंबर के साथ अभी क्या सर्विस है, आपको एप्लीकेंट नेम और डेट ऑफ रिक्वेस्ट और स्टेटस में लिखा रहेगा कि क्या कंप्लेंट है मीन्स वो क्या वजह से आपको रिटर्न कर दिया है, वो सब मेंशन डिटेल दिया रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट है पेंडिंग एप्लीकेशन है दोस्तों, पेंडिंग एप्लीकेशन ये होता है दोस्तों आप अगर आपको कोई भी फॉर्म भरते भरते कुछ डाउट्स का वजह से मीन्स ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट कमी का वजह से आप आधा में छोड़ के रखा रहेगा, वो सारे एप्लीकेशन यहाँ पर पेंडिंग एप्लीकेशन में शो करेगा दोस्तों। नेक्स्ट नेक्स्ट आके चेक स्टेटस, चेक स्टेटस में क्या होता है दोस्तों, अगर आप कंप्लीट मीन्स सबमिशन कर दिया है, सबमिशन करने के बाद अब कोई बहुत सारे एप्लीकेशन आपको मीन्स है आपका जो लॉगिन में उसमें क्या करेंगे, कोई एक एप्लीकेशन या एप्लीकेशन नंबर मेंशन करना, आप जो डॉक्यूमेंट ढूंढना चाहते हैं। नेक्स्ट आपको डेट मेंशन करना है, कौन सा डेट में आपको अप्लाई किया, एप्लीकेंट का नाम मेंशन करना है। नेक्स्ट यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम भी मेंशन कर देना है दोस्तों, ये कब अगर आपको कब से कौन सा डेट में आपको याद नहीं है आपको एक पीरियड दे सकते हैं दोस्तों, अगर ये डेट से हमको एक हफ्ता के अंदर हम इतना डेट के अंदर हम अप्लाई करा है करके यहाँ पर आप लिखेंगे तो यहाँ सर्च में क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको नीचे डिस्प्ले कर देगा दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्या रिफंड रिसिप्ट है, रिफंड रिसिप्ट ये होता है दोस्तों आप यहाँ से आपको एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपको जो ऐसे कि आपको रिसिप्ट आप प्रिंट करना आपको भूल गया नहीं तो ऐसा कुछ बाद में प्रिंट कर लेना चाहता है ऐसा भी होता है दोस्तों, उस टाइम क्या होता है रिप्रिंट में क्लिक करने के बाद यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर आप कौन सा डेट में किया था वो डेट आपको मेंशन करना है। नेक्स्ट एप्लीकेंट नेम, नेक्स्ट
कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपका अप्लाई करा है, और अप्लाई करके सर्च में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप शो कर देगा दोस्तों, वहाँ पर आपको फ्री रिसिप्ट में क्लिक करेंगे आपको रिसिप्ट शो करेगा दोस्तों, उसका ये सब प्रिंट करके आपको कस्टमर को देना, या अपना अपना बड़ा तो अपना कॉपी रख सकते हैं दोस्तों सेव करके। चलिए दोस्तों नेक्स्ट है माई डॉक्यूमेंट्स है। माई डॉक्यूमेंट्स मतलब कि आप इसमें आपको अपना डॉक्यूमेंट्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर अपलोड करके भी रख सकते हैं दोस्तों। ये किस लिए आपको ज़रूरत पड़ता है दोस्तों, अभी कभी भी आपको ई सर्विसेज के लिए, कोई भी ई सर्विसेज के लिए अप्लाई करता है, उसका आपका रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आपको फिर वेटम फिर आपको मिलना मुश्किल है, कोई स्कैन करना फिर ये आपको कोई डॉक्यूमेंट लेके आना पड़ता है। आपको इसमें क्या होता है दोस्तों, आप यहाँ पर जो भी आपका रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड है, आईलैंडर कार्ड, फैमिली रेशन कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, जो विजुअल UID कार्ड है, जो भी आपको स्कैन करके अपलोड करके रखेंगे दोस्तों, जैसे आपको ई सर्विसेज अप्लाई करेंगे आपको उस टाइम आपको बहुत हेल्पफुल होएगा दोस्तों। ये फर्स्ट आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट में चेक कर लेते हैं इसमें से क्या क्या जो हमेशा यूज़ होता वाला आपको सर्विसेस है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखिए, ये देखेंगे तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट है, नेक्स्ट एप्लीकेशन फॉर सेल्स एंड गिफ्ट परमिशन है, यहाँ से अनमेरिड सर्टिफिकेट भी मिलता है यहाँ से, बोट रजिस्ट्रेशन का डिपेंडेंट सर्टिफिकेट, डिप्यूटी कमिश्नर कोड, जो बहुत सारे सर्विसेज है दोस्तों। नेक्स्ट ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का भी आपको दिया है, फैमिली मेंबर सर्टिफिकेट भी दिए दे सकते हैं यहाँ पे, इनकम सर्टिफिकेट फॉर रिलीफ फंड, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर लोकल सर्टिफिकेट, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बहुत सारे ऑप्शन दिए देखे थे दोस्तों ई सर्विसेज का है। यहाँ पर इतना सारा सर्विस दिए दोस्तों, यहाँ पर आपको कोई भी सर्विसेस आपको यहाँ पर अप्लाई करना तो कर सकते हैं। यहाँ पर और भी दिया देखे दोस्तों, यहाँ पर क्या है आपको रेसिडेंस सर्टिफिकेट का दिया है, नेक्स्ट आपको यहाँ पर सीनियर सिटीजन का दिया है, इसी तरह बहुत सारा सर्विस, वैल्यूएशन सर्टिफिकेट, इस तरह वेजल रिवैलिडेशन का दिया है दोस्तों। यहाँ पर चेक करेंगे तो बहुत सारा सर्विसेस। नेक्स्ट फोर्ट मैनेजमेंट बोर्ड है, यह तो अभी कोई रेयरली कोई अपना काम का हिसाब से प्रोफेशनल जो भी है आपको यहाँ पर भरते हैं दोस्तों। नेक्स्ट यह सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का है दोस्तों, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में देखिए दोस्तों, यहाँ पर एप्लीकेशन एडमिशन फॉर वर्किंग वुमेन हॉस्टल, यहाँ पर आपको एडमिशन के लिए कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट एप्लीकेशन फॉर डिजेबिलिटी अलाउंस स्कीम है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर विडो पेंशन स्कीम के लिए, नेक्स्ट क्या डिस्टिट्यूट वुमेन के लिए, नेक्स्ट ओल्ड एज पेंशन के लिए भी यहाँ से आपको अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। इसी तरह आपको क्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का बहुत सारा सर्विसेज दिया है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पुलिस डिपार्टमेंट का, पुलिस डिपार्टमेंट का क्या अभी पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट अभी आजकल तो बहुत जरूरी हो गया दोस्तों। यहाँ पर आपको पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए, या कुछ ऑनलाइन में कोई या कोई डिजिटल सर्विसेज लेने के लिए, या कोई पैन सेंटर के अप्लाई करने के लिए, हर जगह में आपको ये सर्टिफिकेट के लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये आपको यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट का बहुत सारा सर्विस दिया है दोस्तों, यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री का, और नेक्स्ट रूरल डेवलपमेंट का, आर्ट एंड कल्चर का, हेल्थ डिपार्टमेंट का, इस तरह के बहुत सारे सर्विस दिए दोस्तों। और लास्ट में देखेंगे तो आपको एक्टिविटीज़ दिया दोस्तों, आपको यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस को चेक कर सकते हैं। सब जैसा आपको सबमिट करने पर देखिए एप्लीकेशन नंबर जनरेट होता है, यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस में क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि कहाँ तक क्या हुआ, क्या स्टेटस है करके। यहाँ पर आप सर्टिफिकेट सर्च, अगर आपको सर्टिफिकेट आप ऑलरेडी बन चुका है, अगर बाई चांस आपका पास कुछ मिस हो गया, एप्लीकेशन नंबर इसमें सर्टिफिकेट नंबर है, वो सर्टिफिकेट नंबर यहाँ मेंशन करके यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसी तरह बहुत सारे ऑप्शन दिया है दोस्तों, ये वीडियो में इतनी ही दोस्तों। यहाँ पर आपको जानकारी अच्छा लगा तो ये वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और लाइक भी कर लेना दोस्तों। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।